डिग्रस नगर पालिका के युवा कर्मचारी अनिल उबाले की आत्महत्या में कथित आरोपी अर्चना राठौड़ अब तक फरार है। सप्ताह भर के बाद भी डिग्रस पुलिस इस मामले में फरार कथित आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में पूरी तरह से असफल रही है। पुलिस की इस नाकामी के खिलाफ मंगलवार को तहसील कार्यालय और पुलिस थाने पर मोर्चा निकालकर पीड़ित उबाले परिवार, उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने दोबारा इंसाफ की गुहार लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। युवा नगर पालिका कर्मचारी अनिल उबाले की आत्महत्या के मामले में फरार आरोपी अर्चना राठौड़ का ये पुराना वीडियो दिग्रस शहर में इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में शहर के एक योगा भवन में किसी गाने की धुन पर अर्चना राठौड़ जमकर थिरकती नजर आ रही है और दूसरी तरफ अनिल उबाले का ये परिवार है जो बेबस होकर अनिल की आत्महत्या के मामले में आरोपी अर्चना राठौड़ को गिरफ्तार कर अनिल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। अनिल उबाळ्याची पत्नी आहे रमा उबाळे, हा माझ्या नवऱ्याला तिनं मजबूर केलं मृत्यूसाठी। तिनं काय करत होती काय नाही करत होती ते मला माहित नव्हतं। ती इतकं मजबूर केलं की माझ्या नवऱ्यानं आज आत्महत्या केली। आठ बुधवारी 8 तारखेला 5-6 दरम्यान ते मला म्हणाले की घरी आले। मी म्हणलं काय झालं काय झालं, ते म्हणाले अर्चना अरविंद राठोड तिच्या शारीरिक मानसिक त्रासाला मी आज आत्महत्या केलेली आहे, म्हणजे पायजन घेतलेलं आहे असं म्हटलं त्यांनी मला। मंगलवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राजेश वजीरे को अनिल को इंसाफ दिलाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद पुलिस थाने पहुंचकर थानेदार सोनाजी आमले को भी अनिल के परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सख्त तरीके से रोष व्यक्त किया। शुक्रवार को सम्माननीय आमदार संजय भाऊ राठौड़, इस महाराष्ट्र के माजी कैबिनेट मिनिस्टर संजय भाऊ राठौड़ अनिल उबाळे इनके घर पर गए थे और अनिल उबाळे के परिवार ने इसी विषय पर संजय भाऊ राठौड़ से बात की। उनसे कहा कि वो शिवसेना की कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता थी। इस पर माननीय आमदार संजय भाऊ राठौड़ का ये जवाब था कि वो शिवसेना की पदाधिकारी नहीं थी और उसे किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता था। फिर भी मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अपक्ष नगर सेवक हूँ और मेरी भावनाएं, मेरे जज्बात अनिल उबाळे के साथ कल भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। शोकांती का है, पुलिस वाले काका, पुलिस वाले मामा, पुलिस वाले दादा आम्हाला म्हणतात की तुम्हाला जर तिची काही माहिती भेटली तर आम्हाला सांगा। सर्वसाधारण लोकांना ती माहित असू शकते तर तुम्हाला का नाही भेटत आहे? सर्वसाधारण लोकांना तुम्ही विचारता, तुम्हाला काही माहित असेल तर सांगा। लाजा नाही वाटत तुम्हाला? कशाचे पगार घेताय तुम्ही? पगार कशाचे घेताय? पालकमंत्र्याचे पगार घेताय की तुम्ही गव्हर्नमेंटचे पगार घेताय? काय करत आहे तुम्ही? कशाचे पगार भेटत आहे? आम्ही जर तिचा शोध लावा म्हणत असाल तुम्ही, तुम्हाला काही माहित पडलं तर सांगा म्हणत असाल तर लाज वाटायला पाहिजे तुम्हाला। 100% राजकीय दबाव आहे। 100% आतापर्यंत डिग्रस मध्ये किती अपघाती मृत्यू वगैरे झाले तर तेव्हाच काऊन नाही आले संजय राठोड साहेब? हा माझा प्रश्न आहे। अनिल उबाळेच्या प्रकरणात त्यांचं नाव आलं म्हणून ते इथपर्यंत आले आणि तिचा मोबाईल सापडला तर सगळे राज त्यांचे खुलतील। कदाचित तिचा अपघाती मृत्यू पण होऊ शकतो त्या अर्चनाचा, तिच्याही जीवाला धोका आहे हे पण आपल्याला विसरता कामा नाही। कारण की तिचा जर मोबाईल भेटला, ती सापडली तर अनेक त्यांचे असे कारनामे समोर येतील, हे याला पण तुम्हाला आपल्याला नाकारता येत नाही, हेही निश्चित आहे। भविष्यात तिचा पण बहुतेक इस मामले में दिग्रस शहर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अनिल उबाळे की मौत होकर लगभग एक हफ्ते का समय बीत गया है, जबकि अनिल के परिजनों के मुताबिक आरोपी महिला को तत्काल गिरफ्तार करने का आश्वासन खुद थानेदार सोनाजी आमले ने दिया था। एक फरार महिला को ढूंढने में दिग्रस पुलिस को आखिर क्यों इतना समय लग रहा है, ये समझ से परे है। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय का दम भरने वाली दिग्रस पुलिस का इस मामले की जांच में जारी ढीला रवैया कहीं पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव का तो असर नहीं, ऐसे संदेहपूर्ण सवाल भी अब उठने लगे हैं।
बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।